महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेकों प्रेरक कहानियां हैं जो लोगों को जीवन में प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, लेकिन प्रेम, करुणा, दया, उपकार और जीवों से प्रेम करने जैसी कई अनमोल उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके उपदेशों का अनुसरण तो करते ही हैं, अन्य धर्मों और पंथों के लोग भी उनके ज्ञान से अपना मार्गदर्शन करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध भ्रमण पर थे। पैदल यात्रा करने के कारण वे काफी थक गए थे। रास्ते में उनको एक आम का बगीचा दिखाई दिया। वे वहां पर आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे गिरे हुए मीठे आम खाए और वहीं उसकी छाया में आराम करने लगे। तभी बगीचे में कुछ युवकों का झुंड आया। वे युवक पत्थर मारकर पेड़ पर लगे हुए आम गिराने लगे। पेड़ के दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध आराम कर रहे थे। एक युवक ने पत्थर फेंका तो वह आम को न लगकर महात्मा बुद्ध के माथे पर जा लगा। उनके माथे से खून बहने लगा। यह देखकर वे युवक भयभीत हो गए और वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर भगवान बुद्ध के पास आए और उनसे माफी मांगने लगे। उनको देखकर महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। युवाओं ने सोचा कि माथे में पीड़ा की वजह से उनके आंसू आए हैं। वे उनके पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा करने का अनुरोध करने लगे। उनमें से एक युवक ने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको मारकर रुला दिया। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जब तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा देने के बजाय तुम्हें केवल भय दे सका।